बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 15 के शार्ट क्वेश्चंस यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट यानी एक इंडक्टिव uh, कायल है इंडक्टर है और उसके अंदर से क्या हो रहा है ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो रहा है अब आप लोगों ने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है कि ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू एल टाइम्स डेल्टा आई बाई डेल्टा टी जब भी किसी इंडक्टर के अंदर से किसी कायल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रही है उस करंट को अगर हम चेंज करें तो उस करंट के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रड के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरह लिखा जा सकता है एल टाइम्स डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ये एल जो है इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं अब सेल्फ इंडक्टेंस जो है इस ग्राफ को अगर देखें वो पूछ रहा है कि पहले तो ग्राफ स्केच करें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एक होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दंट लेकिन अब ये करंट का रेट है यानी करंट में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल सो इस एक्सिस पर हमारे पास डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और इस एक्सिस पर हमारे पास ई एम एफ है इन दोनों का जो है ग्राफ ये जो स्लोप है ये हमें क्या देता है इंडक्टेंस देता है क्योंकि इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास ई एम एफ बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा टी आ जाता है और इस फार्मूले के मुताबिक हमें पता चल सकता है कि एल जो है ये स्लोप है यानी राइज डिवाइडेड बाई रन रन में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो जाएगा और राइज में ई एम एफ है तो ई एम एफ एक्चुअली इंडक्टेंस सो वट इज इंडक्टेंस इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू ई एम एफ जो है इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें हमने कहा है कि ईएमएफ पैदा होता है और वो एक नेक्स्ट टॉपिक में हम वैसे पढ़ लेंगे लेंज का नियम उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा कि जब भी ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है इंड्यूस्ड हो जाता है वो अपोज करता है अपने काज को सो so, उस टेंडेंसी को कंडक्टर की उस टेंडेंसी को कि जिसकी बेस पर वो अपोज करता है किस चीज को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज को जब तो इसके इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आती है वो इस चेंज को अपोज करेगा और उसकी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं कि इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस की सिग्निफिकेंस क्या है ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट्स हम फिजिक्स में मोस्टली डील करते हैं एनर्जी और मैटर के साथ सो तो अगर आप एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखें किसी कंडक्टर के लिए किसी इंडक्टर के लिए तो वो है एनर्जी था और यहाँ स्क्वायर है करंट uh, तो का स्क्वायर जबकि एल इसमें इंडक्टर तो जब तक आपको इंडक्टेंस मालूम नहीं है आप एनर्जी की एक्सप्रेशन uh, नहीं निकाल सकते आप एनर्जी मालूम नहीं कर सकते किसी भी इंडक्टर के थ्रू सो इट हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द सर्किट्स और इसको हम आमतौर पर जिस तरह की पैसेंजर को चार्ज स्टोर करने के लिए एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है इन द सेम वे वी कैन यूज इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी बट दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द स्लोप ऑफ द ई एंड डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ग्राफ देन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और इसमें आप ये देखें कि जब भी हम किसी सर्किट के अंदर करंट में आने वाले चेंज को मेजर करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा रीजन ये है कि देखें करंट जब किसी कंडक्टर में पास होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है उस मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस होने की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डिवेलप हो जाता है एकरस दैट कंडक्टर और जब भी किसी कंडक्टर के एकरॉस मैग्नेटिक फ़्लक्स डिवेलप हो जाता है पहले जीरो था अब कोई फ़्लक्स डिवेलप हो गया तो इसको कहते हैं चेंज इन फ्लक्स तो फेराडे ने कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज हो जाता है किसी कंडक्टर के एकरस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है ईएमएफ पैदा हो जाती है अब ये वो ईएमएफ है मैंने एक काल के लिए एन को वन पुट किया है फेराडे ला है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वो लेंस ने फिर एक्सप्लेन किया कि वो अपने काज को अपोज करेगा जिस चीज ने उसको प्रोड्यूस किया है जिस चीज की वजह से वो इंड्यूस हुआ है वो उसी काज को अपोज करता है तो काज इसका है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सो एक तरह की अपोजिशन हमें मिलेगी सो इट्स इट्स डिफिकल्ट टू मेजर द वेरिएशन इन करंट विद टाइम सो बिकॉज इन वेरिएशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ये एम एफ इंड्यूस हो जाता है और uh, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उन वेरिएशन को मेज़र करना और दूसरा ये है कि वोल्टेज uh, को जब हम मेज़र करते हैं अब अगर किसी मीटर से आप मेज़र करना चाहते हैं जब हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं तो क्या कर लेते हैं उस कंपोनेंट uh, होता है कोई सर्किट में उस कंपोनेंट uh, के क्रॉस बाहर से ही हम कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेते हैं जस्ट एक दैट लोड हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मेजर करनी है तो आपने क्या करना है उस सर्किट के अंदर जो है ई एम एम मीटर इस तरह लगाना है कि उसमें से भी करंट पास हो अदरवाइज अगर आप उसको पैरेलल में लगाएंगे तो फिर आप उससे मेजर नहीं कर सकेंगे क्योंकि पैरेलल में करंट्स डिफरेंट हो जाते हैं तो इनको करंट uh, के रस्ते में लगाने के लिए इसमें सर्किट uh, के अंदर ब्रेक करना होगा ब्रेक सर्किट ब्रेक में उसको लगाना होगा सो so इस वजह से ये मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द वोल्टेज मेजरमेंट कि हम करंट के अंदर वेरिएशंस चेक कर सकें ठीक है सो so, नेक्स्ट uh, जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन uh, ये है कि हाउ डू ग्राफ ऑफ अगेंस्ट टाइम एंड करंट अगेंस्ट टाइम मेक इट पॉसिबल टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करना है तो इसके लिए आपने आपको यहाँ दो ग्राफ दिए गए हैं ठीक है और इन दो ग्राफ से आप सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करें तो किस तरह करेंगे ये ग्राफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है टाइम चेंज होता है साथ साथ या वोल्टेज भी चेंज हो रही है तो इस ग्राफ को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हमें एट एनी इंस्टेंट ऑफ़ टाइम वोल्टेज की वैल्यू मिल सकती है ठीक है और इस ग्राफ से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें करंट की वैल्यू मिल सकती है अब इंडक्टेंस का जो फार्मूला है जो प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन में

और वहां पर करंट जो है जीरो है करंट की वैल्यू तो ये सिर्फ हम ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट की बात नहीं कर रहे बल्कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो करंट का कोई टाइम रेट ऑफ चेंज फाइंड करें यानी कोई इंटरवल ले इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला इंटरवल मैं ले, ले लेता हूँ डेल्टा टी ठीक है टाइम इंटरवल और उसी के हिसाब से जो करंट में का इंटरवल आता है ये इंटरवल फॉर एग्जांपल डेट इज डेल्टा सो डेल्टा डेल्टा टी यहां से हम वेरी स्माल चेंज फाइंड कर लेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में जो वोल्टेज की वैल्यू है इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे यानी कोई बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम दोनों ग्राफ में ले लेंगे लेकिन याद रहे वो सेम टाइम हो यानी ये मैंने एक ग्राफ को अलग अलग बनाया है इस पे मैंने वोल्टेज बनाई मैंने करंट बनाया है लेकिन टाइम दोनों का एक साथ एक ही टाइम पे वो दोनों मौजूद है उनके फेज में फर्क है लेकिन बहरहाल वो दोनों एक ही वक्त में उनका मैंने एक स्नैप शॉट लिया हुआ है और मुझे ये वोल्टेज का ग्राफ नज़र आ रहा है ये करंट का ग्राफ नजर आ रहा है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इसमें से लें लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो जब भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट फाइंड करना होता है क्योंकि हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते टाइम हमेशा पास होता है कोई ना कोई इंटरवल होता है वी कैन नॉट कैच एन इंस्टेंट बट वी कैन ट्राई टू मेक दैट इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एन इंस्टेंट तो हम ये कर सकते हैं कि उस इंटरवल को इतना छोटा कर दे कि वो इंस्टेंट नजर आए ठीक है तो इसके लिए हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू तो जीरो करते हैं तो कोई टाइम का स्मॉल पेज लें इस ग्राफ में इस ग्राफ में और यहाँ से फिर आपको मिलेगा उस स्मॉल पेज पे मौजूद वोल्टेज इसको ऊपर लिखे और यहाँ से फिर आप करेंगे क्या उस स्माल पेज का ग्रेडियंट फाइंड करें यानी डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी फाइंड करें और उसके ऊपर उसको ई एम एफ के इस फार्मूले में लिखें ई एम एफ डिवाइडेड बाई दैट स्मॉल स्लोप एंड यू गेट दूस तो इस तरीके से हम इंड से कर सकते हैं दो ग्राफ से एक वोल्टेज है दूसरा करंटिसम एंडक्स्ट क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है बहरहाल करंट एंड बाई एन ए सी जनरेटर आर समाइम्स एंडिटिव और ये आप जानते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है जनरेटर में उसमें करंट की दोनों वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इसी तरह वोल्टेज की भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है दे आर पीरियाडिक इन टाइम तो टाइम के साथ पीरियाडिकली चेंज होते हैं और वो जनरेटर का आर्मेचर जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है रोटेट uh, होता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है करंट uh, और वोल्टेज में भी वेरिएशन आती हैं तो ये कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है दोनों मौजूद होते हैं ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट में वाई फॉर एन ए सी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव अब एक रेजिस्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स के साथ एसी सोर्स को जब भी सर्किट में बनाते हैं इस सिंबल से शो किया जाता है साइनोसाइडल सिंबल है साइनोसाइडल वोल्टेज है तो उस जनरेटर को हमने किसी रजिस्टर के क्रास जो है आ, उसी जनरेटर जनरेटर से प्रोवाइड की गई है अब वो कहता है कि ये बताएं वाई फॉर एन ए सी जनरेटर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव अब इस सर्किट के अंदर मौजूद हम करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ को अगर देखें तो आप लोगों ने इनतहाई तफसील के साथ इस चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि किसी भी रजिस्टर के एक रास्त जब करंट पास होता है या वोल्टेज ड्राप होती है तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता फेज डिफरेंस नहीं होता तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा रीज़न ये है कि देखें करंट की जो वैल्यूज़ हैं और वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं अगर तो दोनों पॉजिटिव भी, भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन अगर एक वक्त पर दोनों पॉजिटिव हो, एक ही वक्त पर दोनों नेगेटिव हो, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी सो पावर इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ इफ यू सी हेयर आई हैव रन करंट वोल्टेज एंड पावर इस कि ग्राफ में तीनों को बनाया हुआ है ये जो ब्लैक नीचे वाला ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई करंट है टाइम के साथ साथ जो है आ, उसमें आ, आ so देखें वो भी इसी तरह का साइनोसाइडल और जब जहां से मैंने करंट को बिगिन किया है वहीं से वोल्टेज को भी किया है एक साथ वो मैक्सिमम तक पहुंचते हैं एक साथ वो जीरो पे पहुंचते हैं एक साथ वो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं फिर ज़ीरो पे। यानी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है ये उनका फेजर डायग्राम अगर आप ड्रा कर लें तो ये ब्लैक अगर करंट का वेक्टर uh, है फेज़र है तो इसी तरह ये ब्लू जो है ये वोल्टेज का फेज़र है देयर इज़ नो फेज एंगल बिटवीन दिस टू बोथ आर इन टू द फेज एंड Power is maximum across the resistor, and that is because we know that power is I R M S times V R M S times cos of phi. Phi is the angle between these two phasors. If there is no phase difference, phi is zero, and we know cos zero is one. So इट गिव्स अस अ पॉजिटिव वैल्यू ऑल द टाइम ये तो मैथमेटिकली हुआ इसको उधर जाकर ग्राफ में भी आप देख सकते हैं देखें ये इन दोनों का प्रोडक्ट है तो जहाँ इस सेक्शन में ये जो रेड है ये पावर को शो कर रहा है ये करंट है ये वोल्टेज है जहां तक करंट पॉजिटिव है वहीं तक वोल्टेज पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा अब यहाँ पे अगर आप देखें करंट नेगेटिव है साथ में वोल्टेज भी नेगेटिव है और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं सो वंस अगेन पावर पॉजिटिव इन द सेम वे फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल एंड देन फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल सो वी गेट पॉजिटिव पावर थ्रू आउट दैट इज बिकॉज करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन टू द फेज The next part of this question is explain using sketch graphs. I have already drawn the graphs. Kya explain kare? Why the frequency of variation of power in an AC generator is twice that of the current and voltage? Kyun power ki frequency current or voltage ke double hai? Agar is graph ko once again तो यहां से आपको नजर आ जाता है कि इस ब्लैक कर्व को देखें, ये इस टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट करता है ठीक है सो so, ब्लैक uh, का जो यानी करंट का जो टाइम पीरियड है वो ये है टी कैपिटल ये द सेम इज द टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज वोल्टेज भी इतने ही टाइम में एक साइकिल uh, कंप्लीट करता है बट इफ यू एट द रेड कर्व इस टाइम पीरियड के अंदर वोल्टेज और करंट के इस टाइम पीरियड के अंदर पावर के दो वेरिएशन यानी दो साइकल्स आ रहे हैं जीरो से मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो यानी पावर की वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी का डबल है क्योंकि पावर की वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो हाफ है करंट की वेरिएशन के टाइम पीरियड से या वोल्टेज की वेरिएशन के टाइम पीरियड से वोल्टेज के वेरिएशन का वोल्टेज के अंदर चेंजेस का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी एंड दैट टाइम पीरियड इज डबल द टाइम पीरियड ऑफ पावर एंड यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रकल ऑफ टाइम पीरियड सो अगर पावर का टाइम पीरियड करंट और वोल्टेज के टाइम पीरियड से हाफ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी एंड uh, uh, ये तो ग्राफ से आप बता सकते हैं फिर आप मैथमेटिकली भी ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप uh, दोनों को लिख लें यानी वोल्टेज uh, को वी नाट साइन ओमेगा टी लिख लें और करंट को आई नाट साइन ओमेगा टी लिख लें मैंने दोनों को साइन ओमेगा टी लिखा दैट इज बिकॉज देयर इज नो फेस डिफरेंस ए रजिस्टर सो so, एक को से रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे को भी साइंस से। तो इसको मैथमेटिकली भी आप कर सकते हैं बट आई थिंक ये चूंकि शार्ट क्वेश्चन है और शार्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पे दो इन लोगों ने एक्सप्लेन लिखा हुआ है बट इसका मतलब है ब्रीफली एक्सप्लेन करें क्योंकि ऑल इट्स अ शार्ट क्वेश्चन ठीक है सो so, मैथमेटिकली uh, भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें फिर साइंस स्क्वायर आ जाता है उसका एवरेज वन बाई टू आ जाता है यानी यही एक्सप्रेशन आपके पास फिर भी आएगी ये का ठीक है बहरहाल धैन uh, uh, या फिर इस ग्राफ को इसी तरह बनाए और इसको uh, दो तीन लाइन में उसका रीजन बता दें कि देखिए आप ग्राफ में नजर आ रहा है कि वोल्टेज और करंट की वेरिएशंस और पावर की वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी में फर्क सो so, uh, वहां पे मैंने लिखा भी है वो जरा आप देख लें ये फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिपीट आफ्टर द पीरियड ट्वाइस दैट ऑफ पावर टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज ट्वाइस द टाइम पीरियड ऑफ पावर पावर का टाइम पीरियड ये है यहाँ से यहाँ तक ठीक यहाँ से यहां तक का टाइम पीरियड सो so, uh, चूंकि ये दोनों uh, एक दूसरे के uh, इस तरह यहाँ से आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं ठीक है इसलिए यू कैन सी के पावर इज फ्रीक्वेंट देन वोल्टेज एंड करंट एंड देन नेक्स्ट जो है

जो है वो रन के ऊपर पड़ी हुई है अब यहाँ पर राइज हमारे पास वर्टिकल तो रन कर ले तो एक्स एल डिड बाई एफ हो जाएगा एंड दैट इज इंडक्टेंस सो इसका यूनिट जो है हेनरी है इंडक्टेंस का और ये इस ग्रेडियंट से हमें मिल सकता है

Uh, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एल इज द इंडक्ट एफ इज सम कॉन्स्टेंट, समक्टर इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर सो हाउ डज नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड इंडक्टर की जो है फ्रीक्वेंसी जो है इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो टू पाई एफ एल की इक्वल है ये आप जानते हैं फार्मूला ये है एक्स डेश एल अब वो नया इंडक्टिव रिएक्टेंस है जब हम फ्रीक्वेंसी को एफ से एफ डेश कर लेते हैं और वो उसने बताया है कि जो नई फ्रीक्वेंसी है वो पहली फ्रीक्वेंसी का डबल है f डेस इज टू तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करें तो यहाँ से एक और 2 आ जाएगा उसको मैंने बाहर निकाल दिया बाकी वही ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी सो so, मैं ये लिख सकता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वुड बिकम डबल इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड देन बी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या हो जाएगा अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में चूंकि हम जानते हैं कि दैट इज द एक्स सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू पाई एफ सी यहाँ पर रेसिप्रोकल में है इनवर्स रिलेशनशिप है तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एक टू डी नॉमिनेटर में हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा एंड हम देख सकते हैं कि जो नई फ्रीक्वेंसी या नया जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो पहले ओके मौजूद कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हाफ होगा फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाता है ठीक एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 वहां पे वो कहता है कि 1000 वोल्ट पीक वैल्यू है किसी वोल्टेज सोर्स की और आपसे आरएमएस वैल्यू मांगी है या इफेक्टिव वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो आर एम एस वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूला आपके पास मौजूद है पीक वैल्यू को पॉइंट सेवन ऑफ सेवन से मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर रूट ऑफ टू पे डिवाइड करें तो वहाँ से आपको uh, जो है आर एम एस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू मिल जाती है इसके बाद जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन उसके लिए मुझे दोबारा पहले बोर्ड पर जाना पड़ेगा तो उसको ज़रा देखें

सो वी वोल्ट्स में मेजर किया जाता है आई को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है तो ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्स अब रेजिस्टेंस तो ओहम में होता है इन दोनों केसेस में जिसको हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी बिल्कुल उसी तरह से अपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ चार्ज को या करंट को तो उसके यूनिट्स वो कहता है क्या इसको भी ओहम में मेजर किया जा सकता है ठीक है तो बिल्कुल उनको ओहम में मेजर किया जा सकता है और ये चेक करने के लिए आप डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं इनके डायमेंशंस चेक कर सकते हैं सबसे पहले आप रिजिस्टेंस के डायमेंशन निकालें फिर इंडक्टेंस के डायमेंशंस निकालें सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस के और फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डायमेंशन निकालें और इन तीनों को कंपेयर करें यूड सी के वी कैन मेजर ऑल द थ्री इन ओह बट uh, चूंकि uh, ये आसान है मेरे लिए कि मैं इसको uh, इसी तरह वोल्ट पर एम्पियर में लिखूँ बजाय uh, उनकी पूरी डायमेंशन निकालने के तो मैंने इसको यूं लिखा uh, इसका फार्मूला आप जानते हैं एक्स एल का कई दफ़ा मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ थ्रू आउट द चैप्टर बार बार आप इसको पढ़ते रहे हैं टू पाई एफ एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड यहाँ पर सिर्फ अगर मैं यूनिट्स लिखूँ तो टू पाई के चूँकि यूनिट्स नहीं होते आई इग्नोर इट फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्स है और इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है फिर हर्स को आप फर्दर अगर आप देखें आ, इसको रीअरेंज किया जा सकता है इस फॉर्मूले को आप जानते हैं ई एम एफ एल टाइम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी अगर इसको रीअरेंज करें तो यहां से इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला मिल जाता है इस फार्मूले में ऊपर वोल्टेज है वी और डेल्टा टी है वो अगर नीचे लाएं तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ऊपर ले जाएं तो सेकेंड हो जाएगा ठीक है और नीचे डेल्टा आई है वो एम्पियर में मैंने लिख लिया है ये सेकेंड इनवर्स और सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाते हैं यू गेट वोल्ट पर एम्पियर तो यहाँ भी वोल्ट पर एम्पियर चूँकि हम जानते हैं कि ओहम के इक्वल है इसलिए यहाँ भी मैं ओहम लिख सकता हूँ सो इसको ओहम में मेजर किया जा सकता है द सेम वे मैं यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूँ तो उसको भी हम ओहम में मेजर कर सकते हैं वजह वजह यह है कि सी हम जानते हैं कि Q डिवाइडेड बाय V है Q चार्ज है दैट इज़ करंट मल्टीप्लाइड विद टाइम डिवाइड बाय वोल्टेज ऊपर मैं आ, अगर इस फार्मूले में अब आप, आप देखें कैपेसिटेंस की जगह मैं इसके यूनिट्स यहाँ से निकालू एम्पियर सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ वोल्ट इनवर्स इसको ऊपर ले जाऊं तो ठीक है तो ये मैंने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर लिया इस वोल्ट इनवर्स को ऊपर ले जाएं तो ये वोल्ट बन जाता है सेकेंड इनवर्स और सेकेंड आपस में कैंसर हो जाते हैं एमपियर नीचे रह जाता है सो वंस अगेन इट गिव्स अस ओम्स एंड वी कैन मेजर कैपेसिटिव रिएक्टर्स इन यूनिट्स ऑफ ओम्स एंड देन द फाइनल क्वेश्चन के वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ई सी जी जो होता है वो हार्ट uh, हमारा जो है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं यानी एक पूरा साइकिल जब ये कंप्लीट करता है और जो पल्स जनरेट करता है उस पल्स को रिकॉर्ड करता है किसी पेज पे ग्राफ पेपर पे और इससे हमें आ, हर्ट की कंडीशन का पता चल सकता है कि अगर उसमें कोई आ, डिफेक्ट है तो फ़ौर उस ग्राफ से पता चल जाता है आ, इसकी वर्किंग जो है चूंकि ये शार्ट क्वेश्चन है इसलिए आपने यहाँ पर सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन ई सी जी इन डिटेल्स आल दोस्ट आपने इसको बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर के अंदर भी इस पर तफसील मौजूद है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ बताना है एंड दैट इज़ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट कंट्रैक्टिंग कंट्रैक्टिंग मसल्स जनरेट अ स्माल इलेक्ट्रिकल करंट दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड थ्रू इलेक्ट्रोड सुटेबली प्लेस्ड ऑन द बॉडी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं जो स्किन के पास आने वाली इलेक्ट्रिकल पसी पल्सिस को रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर के ज़रिए फिर हम ग्राफ पेपर पे कन्वर्ट करते हैं और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ पीक्स होते हैं हर पीक की अपनी सिग्निफिकेंस होती है और उसी के बेस पर हमें पता चलता है कि हर किस कंडीशन में है तो डियर स्टूडेंट्स ये थे इस चैप्टर नंबर फिफ्टीन के शार्ट क्वेश्चंस और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह नेक्स्ट uh, लेक्चर में uh, फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़